Hello kids, good morning. Today we will learn a poem about week, a week of joy. आज मैं आपको a week of joy की rhyme poem सिखाऊंगी जिसमें 7 दिनों के बारे में बताया गया है. How many days in the one week? 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 7 days के पूरी एक राइम है जो मैं आज आपको इस पोएम के साथ सिखाऊंगी. मैं पोएम बोलूंगी, आप मेरे साथ साउंड करते जाएंगे जैसे जैसे मैं बोलूंगी. स्टार्ट करती हूँ. मंडे इज फॉर मीटिंग बट ट्यूजडे इज फॉर टॉकिंग. वेनसडे इज फॉर वेटिंग बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग. फ्राइडे इज फॉर फिशिंग but Saturday is just for sitting. Sunday is for sunning with everyone enjoying. तो किड्स आपने enjoy की. अब मैं आपको इसका means बताती हूँ. Monday is for meeting. It means आप meeting day यानी कि busy day, working day. Meeting means किसी कोई आप जरूरी काम से, जैसे आप school में और parents office में. Tuesday means talking day. आप किसी बात पे talk कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. वेनसडे फॉर वेटिंग डे, किसी चीज का वेट करना, इंतजार करना. थर्सडे फॉर थिंकिंग, किसी बारे में सोचना. थिंकिंग मीन्स सोचना. आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी गेम्स की या फिर हॉलीडे के लिए. फिशिंग डे मीन्स कोई गेम है, आप ये फिशिंग कर रहे हैं, आप उसकी जगह कोई गेम इंजॉय कर सकते हैं. सैटरडे मीन्स सिटिंग डे यानी कि रेस्ट डे. सिटिंग मीन्स रेस्ट, आराम करना. संडे फॉर सनिंग डे, सनिंग मीन्स सन की रेसेस का एंजॉय करना. संडे के दिन हम घर पे रहते हैं और बाहर की अपने सूरज की किरणों का एंजॉय कर सकते हैं. एवरीवन मीन्स सबके साथ, एंजॉय मीन्स मजे लेना, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं संडे के दिन सबके साथ. तो अब आप मेरे साथ 7 डेज को लर्न करेंगे. मैं एक एक बार रीड करूंगी, आप फॉलो करेंगे. स्टार्ट करती हूँ. मंडे, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, 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 Friday, 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 Saturday, 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 Sunday, Sunday. Sunday. Kids, I hope कि आपको मेरे 7 days और 7 days की importance समझ में आ गई होगी. अब आप क्या करेंगे? आप स्कूल जाते हैं तब भी, आपका समर हॉलीडे होते हैं तब भी, विंटर हॉलीडे होते हैं या फिर कोई भी वर्किंग डे है, आप अपनी टाइम टेबल बनाएंगे. आप कहीं भी घूमने जाते हैं वहां पे आप 7 डेज का पूरा टाइम टेबल डिसाइड करेंगे. तो आप और आप हर डे का एक यूनिक डे बनाइए. जैसे मंडे को आपने वर्क किया, ट्यूजडे को उसको लर्न किया, वेनसडे उसको रिविजन किया, थर्सडे को उसका टेस्ट लिया, फ्राइडे को उसको एक बार फिर से रिविजन किया और सैटरडे को रेस्ट किया. इस तरीके से आपको मंडे टू संडे याद भी रहेंगे और कभी भूलेंगे नहीं. तो आप अपनी टाइम टेबल भी रखिएगा और इन दिनों की इम्पोर्टेंस समझिएगा. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे. और ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि मैं अब इसका बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी. चैनल सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये है क्योंकि मैं नर्सरी, LKG, UKG, प्ले वी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक के जितने भी कंटेंट्स हैं वो वन बाई वन आपके लिए लाती रहूंगी. और एक्स्ट्रा भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ फॉर किड्स, फॉर नॉलेज. तो चैनल सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही आप करेंगे वैसे ही मेरा नया वीडियो आपको मिल जाएगा.